मैं भी, ओ भाई ओ भाई, ओ माय गॉड, भाई बहुत। हे गाइस, वेलकम बैक विथ न्यू ब्लॉग। तो आई होप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, हम आज ब्लॉग की स्टार्टिंग आज बाहर से कर रहे हैं, मतलब घर से नहीं कर रहे हैं। और आज आए हैं हम लोग भुट्टा देखने, जो हम भुट्टा मक्का बोए थे उसको हम देखने के लिए आए हैं। और कुछ बैला चरा रहे हैं हम लोग, ये देख सकते हैं हमारे बैला बैठे हुए हैं अभी, उनको हम चरा रहे हैं क्योंकि फसल ज़्यादा बड़ा बड़े हो गए ना, तो उनको हम आवारा नहीं छोड़ सकते गाइस। तो अब इसमें पेड़ में हम चढ़ेंगे और इस पेड़ से देखेंगे कि कैसा व्यू आ रहा है। तो चलो चलते हैं, चढ़ते हैं। पेड़ बहुत हाइट में भी है। ओ भाई ओ भाई, ओ माय गॉड, भाई बहुत मुश्किल, बड़ी बात। ओ कैमरा पकड़ने में नहीं बन रहा। ओ भाई, सो वाओ गाइस, हम पेड़ में तो फाइनली चढ़ चुके। और वो रहा हमारा बैला जो चल रहा है, इससे हम जुताई करते हैं इन्हीं बैलों से। और हम आपको दिखाएंगे पेड़ में चढ़ के कैसा व्यू आता है यहाँ के मक्का का और यहाँ के वातावरण का। तो हम फाइनली चढ़ चुके पेड़ में और बैकग्राउंड दिखाते हैं गाइस। गाइस, हमारे गांव के पास में एक पहाड़ है जो बहुत ही सुंदर, अभी तो बरसात में बहुत ही ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहा है गाइस। और देख सकते हो वो दिखाई दे रहा है गाइस, हल्का हल्का वो दिखाई दे रहा है, मस्त कितनी हरियाली से दिखाई दे रहा है। मैंने पहले वीडियो बनाया था लेकिन इतनी हरा भरा अब पहले नहीं था, अब बहुत ही ज़्यादा हरा भरा हो गया। और वहाँ की वातावरण और ही ज़्यादा हरियाली, मतलब चारों तरफ हरियाली हो गया है। गाइस, आज मैं कटिंग कटा लिया, बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे। और आज जब कटिंग कट जाता है ना गाइस, तो चेहरा बदला बदला सा लगता है। छोटे छोटे बाल करवा लिया हूँ, बहुत दिन हो गए, बहुत बड़े बड़े बाल हो गए थे, और तो मैं सोचा क्यों ना कटवा लूँ यार। और अभी बरसा हुआ है और पीछे हमारे जस्ट घर के पास में ना बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, तो बहुत ही ज़्यादा हरियाली है गाइस, देख सकते हो बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं। बांस की पेड़ लगा हुआ है, मतलब और मुनगा कहते हैं, बेल है और बीही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हरा भरा होना चाहिए। ये हमारा मोहल्ला है और ये पूरा कच्ची ईंटों से बना हुआ है, मिट्टी के ऊपर खपरा है और कच्चे ईंटे हैं और मिट्टी से बने हुए हैं गाइस, ये देख सकते हैं। ये हमारी मोहल्ला है, रोड से 100 मीटर की दूरी में, मतलब थोड़ा सा दूर स्थित है। और आसपास ये मक्का लगे हुए हैं, और देख सकते हो कुछ लोग अभी घर बना रहे हैं, बरसात के सीज़न आ गया फिर भी अभी काम जारी रहता है, गांव में ऐसे ही होता है। वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूं, अभी मेरे को वीडियो एडिटिंग भी करना है। और अभी बज रहे हैं 11, और आई होप वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।